रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। रैली में मंच पर मौजूद रहे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में राज्य सरकारें काम करती है। मैंने ये महसूस किया है कि केंद्र सरकार ने हमारा भरपूर सहयोग किया। हमने राज्य के लिए केंद्र सरकार से जो कुछ भी मांगा कभी निराशा नहीं मिली। केंद्र सरकार ने हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी के टीएस सिंहदेव के बयान पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि पूर्व में कांग्रेस के कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ भेदभाव करती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है, जो कभी गैस सिलेंडर की कल्पना तक नहीं कर सकते थे उन तक गैस कनेक्शन मुफ्त में पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ में हमने अभी ये पाया है कि लगभग हर 10 में एक व्यक्ति सिकल सेल से ग्रसित है। ये आदिवासी समाज के भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, अन्य समाज के भी हैं, और इनके लिए केंद्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित करके जो काम हो रहा है हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में, केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है। और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे।